क्या बात कर रहा है? तेरा हफ्ता टाइम पर तो पहुंच रहा है, फिर ये रेड क्यों की? उससे पूछा था क्या? ये फोन पहले एसआई को दे। बिल्कुल शोर मत मचाना हमें यहां से। देख के नहीं चल सकता, नुकसान करवा दिया। पकड़ उसे। गाड़ी में बैठो। आगे भाई। ए, अगली बार रेड हो तो सीधे कमिश्नर से बात करना। ठीक है भाई। मेमोरी कार्ड। अरे लड़की कहाँ गई भाई? भाई शिवा अभी भी जिंदा है, लड़की को लेके भाग गया। क्या शिवा? उसे तो हमने मार दिया था ना। पता नहीं भाई वो कैसे बच गया, कोई काम ढंग से नहीं करता। भाई कबीर भाई आए हैं। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड कहाँ है? मेमोरी कार्ड के साथ शिवा लड़की भी लेकर भाग गया। श्या लेकर भाग गया। हम सब ने पार्टी फंड में पैसा इसलिए नहीं दिया था कि बाद में हमें लाइसेंस के लिए फिर से भागना पड़े। हमने तो आपकी उम्मीद पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। मैं यहाँ 4G बिजनेस बढ़ाने के लिए बात करने आया हूँ। देखिए एक बार आप फिर से सोच लीजिए, क्योंकि पार्टी में अब आपका कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल आप पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी बन सकते हैं। इसलिए अगर इसी समय इस काम को नहीं किया गया तो बाद में इस काम को करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और तब ऑपोजिशन वाले हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। कहीं लेने के देने पड़ गए तब क्या होगा? फिर हमें भी विदेश भागना होगा। बिजनेस में अगर आप ही हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे तो और कौन देगा? जेंटलमैन एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक।
बोल। मेमोरी कार्ड गायब हो गया। शिवा नाम का कोई आदमी कार्ड और लड़की दोनों लेकर भाग गया। आई एम सॉरी सर। नो एक्सप्लेनेशंस। अगले 3 घंटे में मैं हैदराबाद पहुंचूंगा। तब तक किसी भी हालत में कार्ड ढूंढ लेना। कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए। वो लड़का और वो लड़की दोनों को मार दो। जब तक मैं कुछ कर पाता उन्हें गोली लग चुकी थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी वो उन्हें मार देंगे। उनकी बॉडी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इस समय वहां जाना रिस्की है। उनके लोग वहां होंगे। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और वो सब जो वो मुझे दे सकते थे उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मुझे इस दुनिया में अकेला जीना सिखाया। पहले मुझे लगता था कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पर अब पापा नहीं रहे तो मैं कैसे जीऊंगी। देखो अनामिका, किसी का साथ या अकेलापन हमारे दिमाग में होता है। लोग यहां से कभी दूर नहीं होते। किसी के ना रहने से संबंध खत्म नहीं होते। उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है। उन्हें गुजरे 3 साल हो चुके हैं। जानती हो अनामिका, वो सिर्फ मेरी माँ ही नहीं थी बल्कि एक अच्छी दोस्त भी थी। उन्होंने दुखों से लड़कर सीखा और मुझे भी सिखाया। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि वो मेरे सपनों में रहेंगी, इसीलिए मैं दुखी ना हूं। उनसे प्यार जताने के लिए रोना जरूरी नहीं है अनामिका, बल्कि उनकी इच्छाओं को पूरा करना ही उनके लिए हमारा सच्चा प्यार होगा। उन्होंने कभी किसी इंसान का दिल तक नहीं दुखाया। जिसने भी ये किया है मैं उन सबको मार डालूंगी। Shiva, I really want to kill that man who did this. वो जो भी है उस तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है, ये मेमोरी कार्ड। यही हमारा हथियार है और यही हमारी ढाल भी। ये तो पासवर्ड मांग रहा है, पर तुम्हारे डैड ने तो कोई पासवर्ड नहीं बताया था। यूजुअली वो अपने पासवर्ड्स और बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन एक डायरी में लिखकर रखते थे। वो डायरी कहाँ मिलेगी? चैनल 24 की ऑफिस में। चैनल 24 के सीईओ रंगनाथ दासरी और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजेश की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस इंक्वायरी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इतनी सारी पुलिस यहाँ पर क्यों है? सीनियर जर्नलिस्ट राजेश की भी आज सुबह हत्या हो गई है। What? Oh, तुम्हारे डैड का कैबिन किस तरफ है? मैं जाती हूँ। लोग तुम्हें पहचान लेंगे, मुझे कोई नहीं जानता। डैड का कैबिन कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पर, 2-3 सेक्शन छोड़कर कॉर्नर में डैडी का कैबिन है।